लो भैया करवा लिया बीएसएनएल में पोर्ट। ये देखिए जो अपना जियो का सिम था ना, तो भैया करवा लिया, बढ़ाने दो उनको पैसे। मुकेश अंबानी जी को अपने बेटे की शादी कर रहे हैं तो पैसे हमसे ले रहे हैं, इनके हमसे खर्चा वसूल कर रहे हैं। भैया ना शादी में बुलाया बुला रहे हो, ना कुछ खिलाया ना पिलाया, लेकिन फिर भी हमसे पैसा लिया जा रहा है। तो ये देखिए भैया बीएसएनएल में हमने पोर्ट करवा लिया है। आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आखिर इसमें पोर्ट करवाने का कितना पैसा लगा, क्या प्रोसेस है और कितना हमको इसमें इनकी रिचार्ज वगैरह मिला हुआ, सब कुछ हम बताने वाले हैं। और इसकी सर्विस वगैरह कैसी है सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, और प्लान्स भी बताएंगे कि आखिर इसके प्लान्स कितने सस्ते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं भैया बीएसएनएल की सिम है, 5G सिम है। तो क्या 5G नेटवर्क पकड़ रहे हैं अभी? ये देखिए 5G सिम है। अब बात करते हैं कि मुझे पोर्ट करवाने में कितना पैसा लगा हुआ है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी सर्विस के बारे में। पोर्ट करवाने के लिए गए तो सरकारी सिम है जैसे कि, तो सरकार वहां पे एक ऑफिस था बड़ा, तो वहां पर गए, बोले उस वाली बगल वाली बिल्डिंग में जाइए। वहां पर गए, दो नंबर कमरे में जाना है। फिर वहां गए, बोले ऊपर जाइए। और उसके बाद बोले कि एक लड़का करता है तो उसके पास जाइए। फिर वहां गए तो बोले नहीं यार सर्वर डाउन है। तो इस तरीके से घुमाते फिराते रहे। उसके बाद फाइनली आज मुझे एक रोड पर एक छत्ता लगाए थे, यानी कि बीएसएनएल से पोर्ट कर रहे थे भाई। तो मैं गया तो मैंने कहा कि मुझे पोर्ट करवाना है। तो पता है आपको कि 1900 पर मैसेज भेजना पड़ता है अपना पोर्ट लिख के, अपना नंबर। तो वहां पर एक फिर से एक मैसेज आता है, तो वहां पर एक नंबर लिखा रहता है, तो उसकी वजह से अपना पोर्ट होता है। जब रिचार्ज होता है तब ये प्रोसेस होती है। तो मैंने मैसेज भेज दिया 2-3 दिन पहले, तो मेरा यानी कि वो मैसेज भी आ चुका था वो नंबर। तो फिर मैं गया, मैंने वहां पर नंबर बताया, तो यानी कि 70 रुपये लिए हैं, और 1.5 महीने के लिए यहाँ पर इनको रिचार्ज मिला है, यानी कि 1.5 महीने के लिए रिचार्ज मिला है। हालांकि मैं ये नहीं पूछ पाया कि आखिर कितने GB इसमें नेट मिलेगा पर डे, ये नहीं मैंने पूछा है। बाकी यानी कि 1.5 महीने के लिए अपन को रिचार्ज मिला है इसमें, और 70 रुपये मिले हैं, और सिम भी 70 रुपये की मिल रही थी। अब उसमें पता नहीं कितने GB रिचार्ज था। और ये 5G सिम है, बाकी यहाँ पर 5G का नेटवर्क तो नहीं है, लेकिन 5G सिम है। अब जैसे ही नेटवर्क आता है तो 5G यहाँ पर अपना रेडी हो जाएगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 5G रेडी है। अब मैं तो पहली बार चला रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है, अभी सिम चालू भी नहीं हुई है, क्योंकि आज ही मैंने इसको पोर्ट करवाया है, यानी कि आज सिम मिली है। 3-4 दिन लग जाएंगे। और भैया ने बोला कि भैया अगर छुट्टी पड़ गई बीच में तो फिर और भी आपको खिसक सकता है, क्योंकि भैया सरकारी कामकाज है। अब देखते हैं सर्विस कैसी है। बाकी देखो मैं शहर में रहता हूँ, यानी कि गाँव से बाहर रहता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये है कि दिक्कत नहीं आएगी। बाकी गांव में भी इसका एक्सपीरियंस लेंगे और बताएंगे भी आपको कि गांव में चलाने लायक है या नहीं है। बाकी देखो अभी शहर में रहते हैं तो शहर में तो यह है कि ठीक है, शहर में तो नेटवर्क वगैरह मिलेगा। जैसे कि लोग बोलने लगते हैं कि गांव में इसके नेटवर्क नहीं आते हैं, वेट करना पड़ता है कि अगला गाँव कब आएगा जब हमको नेटवर्क मिले। तो वो भी इसका देखेंगे, अगर अच्छी रहेगी तो यूज करेंगे, नहीं तो फिर जबरन ही यानी कि परिस्थिति के हिसाब से फिर चेंज करना पड़ेगा। बाकी अभी तो देख रहे हैं, अगर नेटवर्क अच्छे आते हैं तो चलाएंगे। बाकी अगर इसके हम प्लान्स की बात करते हैं कि आखिर इसमें जो प्लान्स हैं वो कितने तक सस्ते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जियो का था ना, जो जियो का है VI का, तो इसमें 350 के समथिंग है, यानी कि वही 1 मंथ के लिए, 28 दिन के लिए 350 का। तो यहाँ पर देखिए आपको चेक कराते हैं, 350-400 रुपये तक का। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देखते जाइए, प्लान्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है फोन पे से, यहाँ पर BSNL में सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 107 में 3 GB डाटा 35 दिन के लिए, 147 में 30 दिन के लिए। अब देखिए जिनको कॉलिंग करना है भाई, यार बढ़िया है यार 147 में, यार ये देखिए 30 दिन के लिए, 153 में 26 दिन के लिए 26 GB डाटा है, 198 में यहाँ पर देखिए 52 दिन, वहां पर 28 दिन मिलता है हमको 350 में, यहां पर देखिए 52 दिन मिल रहा है 1 GB डाटा पर डे। अब देख कई लोग क्या है कि देखो वाईफाई लगाए हैं, उतना वो मोबाइल का यूज नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे प्लान हैं यार, ज्यादा यूज नहीं करते डाटा। और कई लोग हैं जो कम यूज करते हैं, ये देखिए 347 का, यानी कि 54 दिन है, बहुत अच्छा है। देखो 2 GB डाटा मिल रहा है इसमें, और चेक कराते हैं, देखिए 197 में देखिए 70 दिन, 200 रुपये में भाई 70 दिन, ये देखिए 200 रुपये में 70 दिन और 2 GB डेटा। अब और दिखाते हैं, 99 में 17 डेज है, 118 में देखिए 10 GB 20 दिन के लिए, 187 में देखिए 28 दिन के लिए, बहुत सस्ता है, 200 रुपये तक नहीं लगे। और यहाँ पर देखिए 28 दिन के लिए, 198 में 40 दिन के लिए, और यहाँ पर चेक कराते हैं, देखिए 200 199 में देखिए 30 दिन के लिए। साल का देखते हैं, देखिए
150 दिन के लिए, 400 रुपए में 150 दिन के लिए। भैया भैया अगर सर्विस अच्छी रही, अगर थोड़ी दिक्कत नहीं आई तो भैया मैं तो यही चलाऊंगा। बहुत अच्छे यहां पर देखिए साल भर का भी हम देखते हैं, 400 रुपए में देखिए 1 GB डाटा 70 दिन के लिए। और चेक कराते हैं यहां पर देखिए 200 में है पॉपुलर, देखते हैं यहां पर प्लान क्या पॉपुलर में और कितने दिए गए हैं। देखिए 1000 में, देखिए 197 में, देखिए 160 दिन के लिए, ये 84 दिन के लिए है। देखिए 2000 में 1999 रुपये में, ये देखिए 365 दिन के लिए। वहां पर कितने था 2999, यानी कि 3000 में था। यहां पर देखिए 1000 कम था, लेकिन उनने 600 रुपये उसमें और बढ़ा दिए हैं। अब 3600 रुपये का आता है 3599, यानी कि 600 रुपये और बढ़ा दिए हैं। तो 3600 का पड़ता है इसमें 2000 का, यानी कि 1600 रुपये कम लग रहे हैं इसमें एक साल के लिए अगर अपन लेते हैं। अब और नीचे चलते हैं तो यहां पर देखिए 2399, यानी कि 2400 रुपये में 400 दिन के लिए, यानी कि 395 दिन के लिए। भैया और क्या चाहिए, ये देखिए बिल्कुल 400 दिन सीधे सीधे। यार मुझे तो भाई इसके प्लान बहुत अच्छे लगे हैं। अब देखते हैं सर्विस कैसी है। भैया मैं तो यही चलाऊंगा, अगर सर्विस अच्छी रही तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो यही चलाऊंगा। और अभी तो देखो पोर्ट करवा लीजिए, कम से कम कंपनियों को फर्क तो पड़ेगा भाई। जब बाद में अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं लग रही, कुछ दिक्कत आ रही है, तो चेंज करवा लेना। लेकिन भाई अभी तो थोड़ा ऐसा करना कि सब पोर्ट करवा ले, जिससे क्या है कि कंपनियों को भी लगे कि हाँ भाई लोग हमारी कंपनी से भाग रहे हैं, तो शायद वो रिचार्ज वगैरह है कम करें। नहीं तो फिर ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो कुछ दिन बाद और बढ़ा देंगे, फिर और बढ़ा देंगे, यानी कि आम इंसान तो रिचार्ज ही नहीं करवा पाएगा। तो हो सके तो एक बार पोर्ट जरूर करवा लीजिए, दूसरी कंपनी में जरूर चले जाइए। यहाँ पर देखिए BSNL भैया बहुत अच्छी है, मुझे तो यहाँ पर इसके रिचार्ज बहुत अच्छे पसंद आए हैं। या तो मैं देखो 365 दिन के लिए मैं तो सोच रहा हूँ कि इस तरीके से करवाते हैं। अब देखते हैं चालू हो जाए, 3-4 दिन लगेंगे इसमें चालू हो जाए, इसकी सर्विस कैसी रहती है वो भी आपको जरूर बताएंगे कि किस तरीके से इसकी नेटवर्क वगैरह है, किस तरीके से चलती है। बाकी सरकारी सिम है तो देखो मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पर जो इसकी सर्विस वगैरह है ना, तो जो कर्मचारी लगे हैं ना, उन्होंने इसकी सर्विस है जो बिगाड़ रखी है। बाकी देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिम में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर वो अच्छे से करने लगे ना, तो एक नंबर वन बन जाएगी भारत BSNL 5G रेडी। भाई मुझे तो बहुत अच्छे प्लान इसके पसंद आए हैं। अब देखते हैं सर्विस क्या रहती है और किस किस ने करवाई है, पोर्ट किस किस ने करवाई है, कमेंट करके जरूर बताना। भाई मैंने तो करवा लिया, 2-3 दिन घूमते रहे, मिल ही नहीं रहा था, तो फाइनली आज मुझे वो भाई मिल गया, तो मैंने इसको करवा लिया 70 रुपये में 1.5 मंथ के लिए अपना ये रिचार्ज है इसमें। अब यूज करते हैं, बाकी अपने वो लगाई है, वाईफाई लगा है, तो नेट का उतना वो नहीं है। बाकी नेटवर्क वगैरह कैसे आते हैं और नेट भी कैसा चलता है, स्पीड वगैरह सब कुछ बताएंगे आपको, बस जैसे ही चालू होती है। तो अब देखते हैं एक सिम देश के नाम चलाते हैं, कैसे चलती है स्पीड, किस किस ने करवाई है, कौन कौन करवाना चाहता है, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में।